हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजय कुमार। आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है चैप्टर 3, उसका पार्ट 6 और लास्ट पार्ट। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया है इंडोमेट्रियम में, अब उसके बाद जो प्रेगनेंसी होता है, जिस्टेशन होता है, या जिसको हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें भी सीक्वेंस बना हुआ है। जैसे सीक्वेंस क्या बना हुआ है कि हम लोग देख रहे हैं पहले ब्लास्टोसिस्ट किस तरह से इम्प्लांट किया है एंडोमेट्रियम में, ये देखे हैं, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसका जो ट्रोफोब्लास्ट है वो यूटेरिन वाल में अंदर इम्प्लांट कर रहा है। उसके बाद किस तरह से प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इनर सेल मास है, उसका इनर सेल मास किस तरह से अब उसमें डिवाइड होता है, डिवाइड होकर के 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन करता है। 3 जर्म लेयर के फॉर्मेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि वह जो तीनों लेयर है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, अब वह एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है और उसके चारों तरफ फीटल मेम्ब्रेंस, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेंस है जो कि उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जो उसका समय पूरा होता है उसमें इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म का क्या फेट है, भविष्य क्या है, उससे कौन कौन से ऑर्गेन बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन 3 ट्राइमेस्टर में होता है, किस तरह से ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो देखेंगे। उसके बाद अंत में पार्चुरीशन का देखेंगे कि किस तरह से डिलीवरी ऑफ बेबी होता है, उसमें कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किस तरह से मिल्क का इजेशन होता है। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। जिस्टेशन उसको कहा जाता है या इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन पहले हम लोग देख चुके हैं, इसके जो 5th वीडियो है उसमें दिया गया है इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो इंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद तुरंत उसमें जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है, ब्लास्टोसिस्ट में हम लोग देखे हैं कि बाहर बाहर ट्रोफोब्लास्ट होता है और अंदर में इनर सेल मास होता है। तो वो किस तरह से फिक्स होते हैं उसके अंदर, तो उसमें 2 चेंजेज होता है। एक तो ट्रोफोब्लास्ट में चेंज होगा, तो उससे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, तो उससे प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा। और जो इनर सेल मास है वो उसमें चेंजेज होगा, और चेंजेज होने के बाद उसमें क्या होगा कि उसी से एम्ब्रियो बनेगा। तो इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन फॉलोइंग चेंजेज अकर्स, कौन कौन से चेंजेज इसमें आते हैं, फॉलोइंग चेंजेज अकर्स, किसमें किसमें चेंजेज आता है। तो फर्स्ट जो आउटर लेयर होता है ब्लास्टोसिस्ट का, उसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रोफोब्लास्ट। तो चेंजेज अकर्स इन ट्रोफोब्लास्ट, और सेकेंड चेंज किसमें होता है, इन इनर सेल मास, इसको इनर सेल
मास कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चेंज होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रोफोब्लास्ट में क्या चेंज होता है। तो इन ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट हो गया बाहर का लेयर हो गया, तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स हो जाते हैं ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, और उसको हम लोग कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं अपीयर हो जाते हैं, अपीयर्स, और ये क्या होते हैं ट्रोफोब्लास्ट में, ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, और उसको हम लोग कोरियोनिक विलाई कहते हैं, अपीयर्स ऑन ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ठीक, अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ये यूटेरस का एंडोमेट्रियम, ये इसका फैलोपियन ट्यूब, इधर इधर से मतलब नहीं है हमको, अब यहाँ पर क्या है कि ये ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पर इम्प्लांट हो गया है, और इसमें बाहर बाहर का जो सेल है उसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर में जो सेल होता है उसको कहते हैं इनर सेल मास कहते हैं। तो बाहर का जो होता है वही यहाँ पर डेवलप कर लेता है क्या, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई डेवलप कर लेता है, और यही फिर बाद में चल करके देखिए डायग्राम में कि उसमें क्या हो रहे हैं कि ये अंदर में इंटर कर गया है, और इंटर करने के बाद जो है इंटर डिजिटेड टू ईच अदर, और बाद में चलकर ये क्या बनाएगा, प्लासेंटा का फॉर्मेशन करेगा यहीं पर। अब यही धीरे धीरे क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शन बना लेगा, इसको हम लोग कोरियोनिक विलाई कहेंगे, और यहीं पर अब प्लासेंटा बनेगा, ये प्लासेंटा बनेगा। तो ये हो गया क्या, यूटेरस हो गया, तो यूटेरस के अंदर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इम्प्लांट हो गया है, इम्प्लांट के बाद ये यहाँ पर ये इनर सेल मास है, अभी इसका भी क्या हो जाएगा सेल डिवीजन होगा, और इसमें ईपी ब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दो तरह के लेयर बनेंगे। तो यहाँ पर देख लिए कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर इम्प्लांटेशन में बन रहा है, और इसको हम लोग कहते हैं कि द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेरिन टिश्यू, ये दोनों, ये यूटेरस का टिश्यू होगा यहाँ पर, ये इधर जो होगा ये सब क्या हो गया यूटेरिन टिश्यू। तो द कोरियोनिक विलाई ट्रोफोब्लास्ट से बन रहा है, और यूटेरिन टिश्यू, विलाई एंड यूटेरिन टिश्यू इंटर डिजिटेड, एक दूसरे में क्या होते हैं, एक दूसरे में इस तरह से फिक्स हो जाते हैं, बिकम इंटर डिजिटेड, इंटर डिजिटेड हो जाते हैं विथ ईच अदर टू फॉर्म प्लासेंटा। अब यहीं पर ये प्लासेंटा बनाएगा, ये सब इंटर डिजिटेड टू ईच अदर टू फॉर्म प्लासेंटा। अब प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा देखेंगे, अब प्लासेंटा क्या होता है, तो प्लासेंटा जो हो गया कि ये फ्लैट डिस्क लाइक टेम्पररी ज्वाइंट बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी, यानी जो ये अब डेवलप होगा यही इसी से एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो एक फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बन सकता है, इधर बन सकता है, किसी भी पार्ट में जहाँ पर वो फिक्स होगा वहीं पर ये क्या होंगे बनेंगे। तो प्लासेंटा क्या हो गया कि इट इज ए फ्लैट डिस्क लाइक टेम्पररी टिश्यू, ये एक प्रकार का टेम्पररी टिश्यू बनेगा, जब तक प्रेगनेंसी रहेगा उसी समय तक ये क्या हो जाएंगे
बनेंगे। टेम्पररी टिश्यू है, टेम्पररी ज्वाइंट है, तो टेम्पररी टिश्यू एंड यही क्या हो जाएगा कि इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो जाएगा, एक तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और यही काम करेगा प्लासेंटा, ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए यही काम करेगा। तो एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन कौन सा, तो जो फिटस है, ये फिटस बनेगा, जो उसमें एम्ब्रियो डेवलप होगा फिटस बनेगा, फिटस के बीच ये हो जाएगा एंड मैटर्नल बॉडी। तो ये एक प्लासेंटा डिसलाइक बनेगा जिसमें के द्वारा ये आपको करेगा। अब कहता है कि इसमें फंक्शन क्या, इसका प्लासेंटा का फंक्शंस होते हैं। फंक्शन क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन कि इट फैसिलेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, यानी जो एम्ब्रियो डेवलप होगा क्योंकि ह्यूमन विविपेरस है तो उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई होना चाहिए। तो ये क्या करेगा कि इट फैसिलेट द ऑक्सीजन एंड इट फैसिलेट द सप्लाई ऑफ सॉरी फैसिलेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, टू द एम्ब्रियो। तो पहला काम हम लोग देख लिए क्या कि ये आपको क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि जो एम्ब्रियो या फिटस उसमें डेवलप हो रहा है उसको अब क्या होना चाहिए, उसके जो वेस्ट मटेरियल है जैसे CO2 है या जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है उसको ये क्या करता है, रिमूव करता है। तो सेकेंड काम हो गया इसका एक्सक्रीटरी हो गया रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल्स ऑफ फिटस। थर्ड काम क्या हो गया कि यह जो है आपको बैरियर का काम करता है, माने दोनों ये प्लासेंटा जो है वो फिटस का ब्लड और मदर के ब्लड दोनों के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है, एक तरह से बैरियर का काम करता है ये। तो ये क्या हो गया, एक बैरियर का काम हो गया, बैरियर की तरह ये काम करेगा। उसके बाद क्या करेगा कि यह जो प्लासेंटा है एम्ब्रियो से एक ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस करने के लिए अम्बेलिकल कॉर्ड होता है, आप देखेंगे आगे डायग्राम में कि अम्बेलिकल कॉर्ड होता है उसके द्वारा ये कनेक्टेड होता है। तो हो जाएगा क्या कि प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो, किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, थ्रो एन अम्बेलिकल कॉर्ड, थ्रो एन अम्बेलिकल कॉर्ड। किस लिए अम्बेलिकल कॉर्ड पाया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस करने के लिए, जो मैटर्नल मदर से जो न्यूट्रिएंट्स या ये सब ऑक्सीजन आएगा और प्लस इसका रिमूवल होगा तो उसके बीच जो है ये आर्टरी और वेन उसमें पाए जाते हैं। तो ये किस लिए पाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस करने के लिए पाया जाएगा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम इसका और भी है कि यह एक तरह से इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम करता है, मतलब ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है और वह हार्मोन आपको क्या करता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होते हैं उसको डिफरेंट फंक्शन कराता है। तो इंडोक्राइन क्या हो गया, ये इंडोक्राइन फंक्शन तो इंडोक्राइन फंक्शन में क्या हो गया कि प्लासेंटा एक्ट्स ऑल्सो एक्ट्स एज इंडोक्राइन टिश्यू, इट ऑल्सो एक्ट्स एज इंडोक्राइन टिश्यू है, ग्लैंड नहीं है, एक तरह का टिश्यू है। शुरू में ही देखेंगे फ्लैट डिस्क लाइक टेम्पररी टिश्यू है,
तो ये कौन सा ऐसा टिश्यू है, टेम्पोररी टिश्यू जो हार्मोन सिक्रेट करता है, तो ये क्या हो गया कि इंडोक्राइन टिश्यू हो गया टू प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स, कुछ ये हार्मोन सिक्रेट करता है। जैसे कौन कौन से हार्मोन है, तो पहला हो गया क्या HCG, HCG हो गया। सेकेंड हार्मोन है जिसको HPL कहते हैं, तो हार्मोन हो गया। उसके बाद जो है इसमें इस्ट्रोजेन एंड प्रोजिस्टोजेंस, ये सब हार्मोन है जो कि इसके द्वारा सिक्रीट होता है। अब इसका क्या काम है ये हम लोग देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो प्लासेंटा का हार्मोन अभी देखे हैं हम लोग, उसके बाद एक हार्मोन और होता है रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि ओवरी के द्वारा सिक्रीट होता है और वो लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में सिक्रीट होता है, माने अंतिम समय में वो सिक्रीट होता है। तो HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये तीन ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्रेगनेंसी के समय ही फीमेल में सिक्रीट होते हैं। तो पहला यहाँ पर देख रहे हैं कि HCG, उसका फुल फॉर्म क्या होता है HCG, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसका फुल फॉर्म है। और दूसरा जो हार्मोन है HPL, तो दूसरा हार्मोन है HPL, तो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये दो हार्मोन हो गया। ठीक, तो यह आप ध्यान में रखिएगा कि HCG और HPL और एक हार्मोन और है, ये तो सिक्रीटेड बाय किसका, ये जो दो हार्मोन है इसको नोट में कर लीजिए, ये नोट हो गया HCL और ये प्लासेंटल HPL, ये सब किसने होता है सिक्रीटेड बाय प्लासेंटा। एंड एक हार्मोन और है जिसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सिन, तो ये रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है सिक्रीटेड बाय ओवरी, कब सिक्रीट होता है ये, तो इन लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, इन लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें ये रिलीज होता है। तो ये तीन हार्मोन है HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये क्या करते हैं कि प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यह ध्यान में रखिएगा, ये तीन हार्मोन प्रेगनेंसी के समय ही सिक्रीट होता है। अब कहता है कि कुछ और हार्मोन्स होते हैं जो मिल करके, ये तो प्लासेंटा का हार्मोन हो गया प्लस उस कुछ और हार्मोन और होते हैं, ये सब मिल करके और ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसके लिए, फेटल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक चेंजेज इन मदर के लिए और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को। तो अदर हार्मोन्स में कौन सा हो गया, तो जैसे कि ईस्ट्रोजेंस हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया प्रोजिस्टोन्स हो गया, उसके बाद कौन सा, सॉरी प्रोजिस्टोजेंस के बाद क्या हो गया कॉर्टिसोल, उसके बाद प्रोलैक्टिन हो गया, उसके बाद सबसे थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन जो सिक्रीट होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, थायरोक्सिन ETC विथ
ये सब जो हार्मोन है, प्लासेंटल हार्मोन। प्लासेंटल हार्मोन्स में कौन सा, जैसे कि HCG, HPL, ये सब हार्मोन सब मिल करके क्या करते हैं, इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फेटल ग्रोथ, आर एसेंशियल किसके लिए जरूरी होता है, फॉर सपोर्टिंग एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फीटस ग्रोथ, सपोर्टिंग द फीटस ग्रोथ, जो फीटस होगा उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद मदर के अंदर भी कुछ चेंजेज आ जाते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेज आ जाते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेज इन मदर के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेज आ जाते हैं, और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जो इनर सेल मास है उसका क्या फंक्शन होगा, वो कैसे काम करेगा। अब हम लोग देखते हैं चेंजेज अकर्स इन इनर सेल मास, यानी एम्ब्रियो ब्लास्ट में अब क्या हो रहा है, क्योंकि उसी से एम्ब्रियो बनना है। तो सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं, चेंजेज अकर्स इन इनर सेल मास और एम्ब्रियो ब्लास्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में ये एम्ब्रियो ब्लास्ट पाए जाते हैं, वो उसका क्या होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट इंटर डिजिटेट द यूटेरिन टिश्यू, उसी तरह से ये भी इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास पोजेज स्टेम सेल्स, उसमें स्टेम सेल्स डेवलप हो जाता है और उसमें टोटिपोटेंसी पावर डेवलप हो जाता है। अब टोटिपोटेंसी क्या होता है कि 20% पोटेंसी ऐसा पावर है सेल का जिसमें वह सेल किसी भी दूसरे सेल में कन्वर्ट हो सकता है, उससे किसी भी तरह का एक जीव का निर्माण हो सकता है, यानी उस सेल्स में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होने लगता है और उसमें वो जो सेल था इनर सेल मास वो क्या होते हैं, वो फिर से रीअरेंज्ड हो जाते हैं दो लेयर में, एक डिस्क लाइक लेयर में अरेंज हो जाते हैं, जो बाहर की तरफ रहते हैं उसको ईपी ब्लास्ट लेयर कहते हैं, जो अंदर की तरफ रहते हैं उसको इनर हाइपोब्लास्ट कहते हैं। अब जो ऊपर की तरफ होते हैं ईपी ब्लास्ट, उस ईपी ब्लास्ट से आपको क्या होते हैं कि इक्टोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन होगा, और जो नीचे की तरफ होगा हाइपोब्लास्ट वो बाद में चल करके इंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए उस डायग्राम में देखिए कि किस तरह से बाहर की तरफ जो है वो ईपी ब्लास्ट है, ऊपर की तरफ एम्ब्रियो में जहाँ पर प्लासेंटा बन रहा है वहीं पर वो ईपी ब्लास्ट है, उसके नीचे क्या है हाइपोब्लास्ट का सेल है, वो डिफरेंशिएट हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे क्या कि इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद वो क्या होता है कि द इनर सेल मास पोजेज स्टेम सेल्स, इसमें स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, पोजेज स्टेम सेल्स हैव टोटी पोटेंसी पावर दैट इज, टोटी पोटेंसी अभी बोले हैं कि उस सेल कोई भी सेल का फॉर्मेशन कर सकता है या उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है, यानी इसमें क्या होता है कि दैट इज द सेल्स इनर सेल मास स्टार्ट मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, द सेल्स स्टार्ट्स मॉर्फोजेनेटिक
मूवमेंट होने लगता है उस सेल में, अब एक जगह स्थिर नहीं रहता है, अब वो रीअरेंज हो जाता है। गेट रीअरेंज हो जाते हैं टू फॉर्म ए फ्लैट डिस्क। यहाँ पर क्या बन जाते हैं? टू फॉर्म ए फ्लैट डिस्क, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर बन जाता है, देख रहे हैं उसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और जिसमें क्या होते हैं कि आउटर लेयर में क्या रहते हैं, एपिब्लास्ट, सेल का लेयर। एपिब्लास्ट क्या हो गया? एक सेल का लेयर हो गया, और इन अंदर की तरफ क्या हो गया, एंड इनर हाइपोब्लास्ट, अंदर वाला जो लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोब्लास्ट कहते हैं। अब इससे क्या होगा डेवलप? हाइपोब्लास्ट से शुरू करते हैं। हाइपोब्लास्ट जो लेयर है ये आगे डेवलप करके इंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगा, और जो एपिब्लास्ट है, एपिब्लास्ट का जो सेल है वो ग्रोज करके, ये ग्रोज करेगा तो इंडोडर्म बनाएगा, और एपिब्लास्ट क्या करेगा, ग्रोज करेगा तो ये पहले एक्टोडर्म बनाएगा एंड देन इंडोडर्म बनाएगा। तो इस तरह से यह जो है काम करता है। अब कहता है कि जहां पर एक्टोडर्म होता है, मानी एपिब्लास्ट होता है, उसके एक पॉइंट पर, मानी समझिए कि मिड पॉइंट पर एक क्या होते हैं कि एपिब्लास्ट का सेल फिर से ग्रो करने लगता है। ये पहले इंडोडर्म बना लेता है नीचे की तरफ ग्रोथ करके, बच जाता है एक्टोडर्म। उस डायग्राम में देखिए कि एक्टोडर्म वहीं पर है और जो हाइपोब्लास्ट सेल है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, और नीचे की तरफ ग्रो करके इंडोडर्म बना रहा है, और एपिब्लास्ट जो ऊपर में है वहां से देखिए बीच में एक सेल जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, उस सेल वहां से प्रोलिफरेट हो रहा है, नीचे की तरफ बीच में आ रहा है, बीच में आकर के वो क्या करेगा, एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर क्या हो गया कि एट द पॉइंट ऑफ एपिब्लास्ट, जहां पर एपिब्लास्ट है बीच में देख रहे हैं, वहां पर एपिब्लास्ट सेल्स प्रोलीफिरेट का मतलब कि वहां से वो सेल डिवाइड होता है और वहां से बढ़ना शुरू करता है, तो प्रोलीफिरेट हो रहा है, और टू फॉर्म ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, तो प्रिमिटिव स्ट्रिक कहा जाता है। बीच में देखिए प्रिमिटिव स्ट्रिक है जो कि बन गया है, और फिर वो क्या करते हैं कि वो सेल्स ग्रोज करते हैं, और ग्रोज करके और तब जाकर के आपको बीच में मीजोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। प्रिमिटिव स्ट्रिक, देन दे फॉर्म मीजोडर्म। अब इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म ये क्या है? तो इक्टोडर्म क्या है, एक सेल का लेयर है, मीजोडर्म बीच में लेयर है जो कि देखे कैसे बना, और इंडोडर्म भी क्या है, अंदर में एक सेल का लेयर है। मतलब तीन सेल का लेयर आपको कहाँ बन गया, वो जो ब्लास्टोसिस्ट था, अब वो ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट किस में हो गया, गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले मीजोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो मीजोडर्म अभी बन गया है उसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं।
गैस्ट्रुलेशन होता है। तो गैस्ट्रुलेशन में क्या हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स, कौन कौन सा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंड एंडोडर्म। तो जो अभी हम लोग उस डायग्राम में देखे थे, या देखिए कि किस तरह से बीच में मीजोडर्म है, उसके ऊपर इक्टोडर्म है और उसके नीचे क्या है, इंडोडर्म है। तो तीन लेयर बन गया है, इसी प्रोसेस को हम लोग गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। अब कहता है कि यह जो तीन लेयर बना है उसका अब क्या होता है। तो गैस्ट्रुला में जो ये तीन लेयर बना है इसका अब थ्री जर्म लेयर का भविष्य क्या है, फेट ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स, फेट ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स क्या भविष्य है। इक्टोडर्म से कौन कौन से ऑर्गेन बनते हैं, मीजोडर्म से कौन कौन से ऑर्गेन बनते हैं, इंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गेन या टिश्यू बनता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म का जो फेट है, भविष्य है कि इससे कौन कौन से ऑर्गेन बनते हैं। तो एक चार्ट के द्वारा यहाँ पर दिखाया जाएगा, जिसको आप नोट कर लेंगे कि इक्टोडर्म से कौन कौन सा बनता है, मीजोडर्म से कौन सा बनता है और इंडोडर्म से कौन सा बनता है। तो ये देखिए, ये देखिए फेट ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर है, जिसमें इधर देखिए फर्स्ट में इक्टोडर्म का लाइन दिया हुआ है, बीच में मीजोडर्म का लाइन दिया हुआ है और उधर जो है इंडोडर्म का लाइन दिया हुआ है। तो इक्टोडर्म से देखिए कौन कौन से आपको ऑर्गेन बनता है। तो इससे बनता है क्या, इपीडर्मिस बनता है, इपीडर्मिस ऑफ स्किन बनता है और उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं। उसके बाद स्किन में जो स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स हैं वो सब बनते हैं। उसके बाद इक्टोडर्म से इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ और एनस बनता है। उससे क्या बनता है, कॉर्निया एंड लेंस ऑफ आई बनता है। नर्वस टिश्यू यानी जो सेंट्रल नर्वस टिश्यू, ब्रेन और ये सब पार्ट है, वो भी इक्टोडर्म से ही बनते हैं। उसके बाद सेंसरी रिसेप्टर जो इपीडर्मिस में पाए जाते हैं, जिससे सेंसेशन को रिसीव किया जाता है, सिग्नल को, वो भी इक्टोडर्म से बनते हैं। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड का मेडुला है वो बना होता है। दांत का जो सबसे हार्ड पार्ट या बॉडी का जो सबसे हार्ड पार्ट है, जिसको टूथ एनामेल कहते हैं, वो बना होता है इक्टोडर्म से। उसके बाद इपिथेलियल और पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड बने होते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है जो इक्टोडर्म से बने होते हैं। देखिए बीच में मीजोडर्म है, तो मीजोडर्म से क्या बन रहा है, तो नोटोकॉर्ड, तो जो बॉडी में कॉर्डेटा में आप जानते हैं कि बॉडी को सपोर्ट करने के लिए पाए जाते हैं नोटोकॉर्ड। उसके बाद जो स्केल्टल सिस्टम होते हैं, स्केल्टम जैसे बोन है, बोन कार्टिलेज, ये सब बने होते हैं। उसके बाद जितने भी मसल्स होते हैं, मस्कुलर सिस्टम, वो बने होते हैं। उसके बाद स्टोमक और इंटेस्टाइन के जो मसल्स होते हैं वो बने होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फैटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम मीजोडर्म से बने होते हैं। ब्लड भी बना होता है इसी से। उसके बाद मैंने कही है कि मीजोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू बना होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू में आप जानते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं, डर्मिस ऑफ स्किन है, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी है और एड्रीनल कॉर्टेक्स है। तो ये मुख्य इम्पॉर्टेंट है मीजोडर्म का। उसके बाद देखिएगा लास्ट में जो इंडोडर्म का है, इंडोडर्म में आपको दिया हुआ है कि इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक बना हुआ है, ठीक ना। उसके बाद इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है, लाइनिंग ऑफ यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। उसके बाद लीवर बना है, पेंक्रियाज, थाइमस, थायरॉयड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, जो कि आपको इससे बने होते हैं। तो यह जो है आपको फेट ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स है। अब इससे एम्ब्रियो का जो ये सब ऑर्गेन है वो बनना शुरू हो जाता है। अब देखेंगे कि इसके बाद अब क्या होता है। इतना तक तो बन गया है, गैस्ट्रुलेशन हो गया है और जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन हो गया है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो इतना अभी देख लिए। अब इसके बाद क्या होता है कि यह जो
इक्टोडर्म मीजोडर्म इंडोडर्म बन गया है, अब इसके बाद फीटल मेम्ब्रेन्स बनता है, फॉर्मेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स। फीटल मेम्ब्रेन्स क्या होता है कि जो फीटस है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए या न्यूट्रिशन देने के लिए या रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल करने के लिए उसमें मेम्ब्रेन बनते हैं, मेम्ब्रेन से वो घिर जाता है, मेम्ब्रेनस कवरिंग है ये, और उस कवर के द्वारा उसके बीच बीच में कुछ कैविटी सैक्स बन जाता है जो अलग अलग नाम से जानते हैं, जो चार नाम से है, कोरियन, एमनियन, योक सैक और एलेंटॉइज। तो ये क्या है फीटल मेम्ब्रेन? फीटल मेम्ब्रेन जो है, देखिए ये फीटल मेम्ब्रेन का डायग्राम है, उस डायग्राम में आपको ये चारों स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, बीच में एम्ब्रियो है और उसके बाद बाहर बाहर क्या है कि उसका कवरिंग है। तो फीटल मेम्ब्रेन्स क्या है कि आर मेम्ब्रेनस कवरिंग, कवरिंग है, मेम्ब्रेन का कवरिंग है, एंड सैक्स कैविटी लाइक स्ट्रक्चर भी है, एंड सैक्स कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो, सैक्स कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से वो कनेक्टेड होता है, प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शंस, सबका अलग अलग नाम भी है, प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शंस। अब जैसे आपको ये हो गया आपका ये जो ब्लास्टोसिस्ट था, और इस ब्लास्टोसिस्ट में अब इधर क्या हो रहा है कि इधर प्लासेंटा बनेगा, ये प्लासेंटा बनेगा इधर, उसमें देखिए नीचे की तरफ प्लासेंटा बन रहा है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर अब जो इक्टोडर्म मीजोडर्म और इंडोडर्म था उससे अब एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया है, यह है क्या एम्ब्रियो है, और इस एम्ब्रियो के बाहर ये देखिए मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है जिस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं क्या एमनियन कहते हैं, एमनियन, और इसके बीच में सैक्स भी बोल रहे हैं, तो इसके बीच में एम्ब्रियो और इस मेम्ब्रेन के बीच में ये कैविटी है, सैक है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें ये क्या है एमनियोटिक फ्लूइड। तो यह जो फ्लूइड है इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मैंने जर्क होने से बचाता है ये। उसके बाद जो सबसे बाहर बाहर जो ये देख रहे हैं इसको हम लोग कोरियन कहते हैं, यही सबसे बाहर जो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, ट्रोफोब्लास्ट का जो आउटर लेयर होता है वो कोरियन बनाता है, और कोरियन बना करके आपको यहाँ से उसके बाद ये हो गया कोरियन हो गया बाहर, उसके बाद ये हल्का सा इसमें योक सैक रहता है, जो ओवी पेरस होते हैं इसमें योक सैक बड़ा होता है, क्योंकि इसी से न्यूट्रिशन मिलना होता है एम्ब्रियो को, और इसी में क्या होता है कि एक रिमूवल, ये जो एम्ब्रियो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करेगा वो क्या होंगे कि आपको इसी में स्टोर रहेगा एलेंटॉइज। तो बाद में चल करके जो ये रहते हैं जो ओवी पेरस होते हैं जैसे चीक में, ये ओक सैक बड़ा रहेगा और एलेंटॉइज भी रहेगा, ये सब रहेगा, लेकिन हम लोगों में ह्यूमन में क्या होता है कि ये जो योक सैक है और एलेंटॉइज है ये आपस में फ्यूज कर जाता है, प्लस कोरियन, ये तीनों फ्यूज करके और यही अम्बेलिकल कॉर्ड बना रहा है। देखिए उस डायग्राम में फीटल मेम्ब्रेन था, एमनियन, एलेंटॉइज, कोरियन और योक सैक, चार मेम्ब्रेन होता है, और ये चारों मेम्ब्रेन क्या होते हैं कि उसमें से एलेंटॉइज और कोरियन और योक सैक तीनों एक साथ फ्यूज हो रहा है, अब फ्यूज करके वो प्लासेंटा से, प्लासेंटा में देखिए वो नीचे का जो पार्ट है प्लासेंटा का वो यूटेरिन, यूटेरस का पार्ट है, यूटेरिन प्लासेंटा है और ये उसका प्लासेंटा, मैंने दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहा है, इधर से ये जा रहा है और उधर से ये, यानी दोनों मैंने ये यूटेरस का प्लासेंटा हो गया, इधर इसका दोनों मिक्स हो रहा है, दोनों के बीच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहा है, दोनों का ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है,
दोनों के बीच में स्पेस है, जैसे कि इसमें स्पेस है, गैप है, ये इधर से मदर का ऑक्सीजन आया तो इस स्पेस में आ गया, फिर इस स्पेस से जो जो फीटस का जो वेन होगा इधर से इधर से वेन के द्वारा इसमें आया और इधर से आर्टरी के द्वारा फीटस में चला गया, फिर उधर से जो वेस्ट मटेरियल आया वेन के द्वारा निकल गया इसी मेम्ब्रेन में, और इधर से जो प्लासेंटा का जो पार्ट है, मदर का जो वेन है, अब उसके CO2 और जो वेस्ट मटेरियल है उसको ले करके अब वो चला जाएगा। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करने का काम करता है, बैरियर का काम करता है प्लासेंटा। ठीक, तो इतना देख लीजिए। अब जो ये देख रहे हैं जो फीटल मेम्ब्रेन है, और ये फीटल मेम्ब्रेन किस तरह से अम्बेलिकल कॉर्ड बना रहा है, और ये किस तरह से प्लासेंटा के द्वारा अटैच है, उसको हम लोग अब क्या करेंगे, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे ताकि क्लियर होगा। तो ये देखिए, देखिए इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये फीटल मेम्ब्रेन्स दिखाई दे रहा है। बीच में देखिए एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के ऊपर में देखिए एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी के ऊपर एमनियोन लिखा हुआ है, उसके ऊपर कोरियोन है ना, नीचे देखिए यॉक सैक, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में या जो फीटल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो सारे स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। देख लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। नीचे एल एन ट्वाइस दिखाई दे रहा है। अब क्या करता है कि अब देखिएगा नेक्स्ट डायग्राम, ये रहा। इस डायग्राम में देखिए कि जो कोरियोन और एलेंटवाइज और योक सेक है वो अब क्या कर रहा है कि अम्बेलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए बीच में वहाँ से निकल रहा है अम्बेलिकल कॉर्ड जो उसके नेवल रीजन से अटैच है, और वो फीटल पार्ट ऑफ प्लासेंटा का फॉर्मेशन कर रहा है, और उसके नीचे जो है वो मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा, यानी एक दूसरे से वो क्या है, इंटर डिजिटेड रहता है, एक दूसरे से मिक्स नहीं रहता है, दोनों का ब्लड मिक्स नहीं होता है। देख लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, ये देखिए फीटल मेम्ब्रेन या जो है और प्लासेंटा, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है। तो ऊपर में देखिए अम्बेलिकल कॉर्ड बन गया है, और अम्बेलिकल कॉर्ड में आर्टरी और वेन है। ठीक, देख रहे हैं। और नीचे से देखिए मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा है, इसमें भी आर्टरी और वेन है, दोनों का ब्लड कहीं भी मिक्स नहीं हो रहा है। क्लियर। उधर देखिए एम्बेलिकल कॉर्ड से भी लाल और ब्लू रंग का आर्टरी और वेन आ रहा है, ब्रांच जैसा, रूट जैसा दिखाई दे रहा है बहुत सारा। और इधर से भी देखिए मैटरनल से भी जो आर्टरी और वेन आ रहे हैं दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहा है, यो एक्सचेंज करने का बैरियर का काम करता है। क्लियर। तो अभी तक हम लोग देखे कि किस तरह से फीटस का फॉर्मेशन हुआ, और वो प्लासेंटा के द्वारा मदर का जो टिश्यू होता है इंडोमेट्रियम, उससे अब अपना न्यूट्रिशन लेना क्या करेगा, शुरू करेगा। अब क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोजिनेसिस होगा, अब फर्दर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा इसमें। तो ऑर्गेनोजिनेसिस, ऑर्गेनोजिनेसिस में क्या होता है कि अभी यहाँ पर दो टर्म आप सुनेंगे, एम्ब्रियो का टर्म सुन रहे हैं और फीटस का टर्म सुन रहे हैं। तो एम्ब्रियो किसको कहा जाता है, तो स्टेज अप टू 8 वीक्स, 8 वीक के पहले का जो होता है 8 वीक तक, वो एम्ब्रियो कहलाता है, और 8 वीक के बाद का जो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो उसको हम लोग फीटस कहते हैं। तो एम्ब्रियो, अभी हम लोग देखे एम्ब्रियोजिनेसिस देखे हैं, मैंने एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से। अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनोजिनेसिस देखेंगे, इसमें ऑर्गेनोजिनेसिस देखेंगे। तो यह जो है स्टेज अप टू 8 वीक्स, 8 वीक का जो होता है उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। अब फीटस, फीटस क्या हो गया कि यह जो होता है स्टेज आफ्टर 8 वीक्स, स्टेज आफ्टर 8 वीक्स अप टू
कब तक? तो अप टू क्या होता है? पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के समय तक जो वो रहता है उसको हम लोग फिटस कहते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में कि किस तरह से ये स्टेज, डिफरेंट स्टेज दिखाया गया है। तीन ट्राइमेस्टर होता है, तीन तीन महीने का तीन ट्राइमेस्टर होता है, नौ महीने का टोटल जिस्टेशन पीरियड होता है, डिलीवरी जो प्रेगनेंसी होता है वो नौ महीने का, जिसको तीन तीन ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो पहले तीन महीने में कौन कौन से ऑर्गन डेवलप होते हैं, फिर फोर्थ टू सिक्स मंथ में कौन से ऑर्गन डेवलप होते हैं, और फिर सेवन टू नाइन्थ में कौन सा ऑर्गेन या जो बॉडी का ग्रोथ होता है वो होता है, ठीक ना। तो अब इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे इसको, अब बड़ा करते हैं हम लोग, अब बड़ा करके अब उसका हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो डेवलप कर रहा है। देखिए इस डायग्राम में जो है ऑर्गेनोजिनेसिस इन ह्यूमन, किस तरह से ये ऑर्गेन डेवलप हो रहा है। तो ये जो है ऊपर में दिया हुआ है एज ऑफ एम्ब्रियो इन वीक्स, इसका डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो किस वीक में कितना तक डेवलप होता है। उसके बाद फीटस का फीटल पीरियड है नौ महीने से, देखिए आगे का जो है 38 वीक तक जो दिया हुआ है, आठ वीक तक को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, और आठ वीक के बाद क्या होता है, फीटल पीरियड कहा जाता है। तो उसमें आप देखिएगा कि फर्स्ट और सेकेंड वीक में देखिएगा कि जो जायगोट था वो डिवाइड किया है, क्लीवेज है, क्लीवेज के बाद मोरूला है, मोरूला के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद अब उसका जो बाहर का जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वह अब इंडोमेट्रियम में कोरियोनिक विलाई बन करके उसमें फिक्स हो जाता है, और जो इनर सेल मास है अब वो धीरे धीरे ईपी ब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उसी से इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर थर्ड वीक में देखिएगा, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि थर्ड वीक अब में क्या हो रहा है, तो सीएनएस और हर्ट का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है। देखिए डायग्राम में दिया हुआ है तीन जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पर ऊपर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हर्ट का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, और नीचे में भी देखिएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी वन टू थ्री मंथ्स में लिखा हुआ है कि आफ्टर वन मंथ, एक महीने के बाद उसमें हर्ट फॉर्म हो रहा है, और हर्ट का जो साउंड है वो सुना जा सकता है। कब? पहले मंथ के जो एंड होता है उसमें स्टीथोस्कोप, स्टीथोस्कोप क्या होता है, स्टीथोस्कोप जो कान में लगाकर हम लोग सुनते हैं डॉक्टर लोग, वो उसको हम लोग बोलते हैं, तो उससे हार्ट के साउंड को आप सुन सकते हैं। उसके बाद देखिएगा जो फोर्थ वीक में है, फिफ्थ वीक, सिक्स वीक, सेवन्थ वीक, एट्थ वीक, सब में लिखा हुआ है कि क्या क्या डेवलप हो रहा है, और यहाँ पर लिम्स एंड डिजिट डेवलप हो रहा है। देखिएगा फोर्थ और फिफ्थ वीक से शुरू हो गया है, यानी सेकेंड महीने में चला गया है, तो लिम्स एंड डिजिट डेवलप बाई द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, ठीक। उसके बाद जो है लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डेवलप हो रहे हैं बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स। अब धीरे धीरे जो है वो जेनाइटेलिया देखिएगा 8-9 में शुरू हो रहा है और वो डेवलप हो जाता है। तो पहले तीन मंथ में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का बनना शुरू हो जाता है, डेवलप हो जाता है। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप देख रहे हैं कि रैपिड ग्रोथ ऑफ फीटस इन फोर्थ मंथ में जल्दी से वो बढ़ना शुरू करता है, जो भी ऑर्गेन बन जाते हैं वो जल्दी से ग्रोथ करना शुरू करते हैं। उसके बाद जो पाँचवें महीने का जो समय होता है एम्ब्रियो फीटस का, वो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट मूवमेंट दिखाई देने लगता है पाँचवें महीने में, द फर्स्ट मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन हेड, अब सिर पर हेयर्स डेवलप होने लगता है, ठीक। और वो आपको कितना ऑब्जर्व होता है, पाँचवें महीने में ऑब्जर्व होता है। उसके बाद छठे महीने में यानी जो 24 वीक्स के एंड में होता है, बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स कवर हो जाते हैं, आई लिड्स सेपरेट हो जाते हैं, आँख जो जुड़ा हुआ रहता है आई लिड्स वो सेपरेट हो जाते हैं, आई लेसेस का फॉर्मेशन हो जाता है। और देखिए थर्ड ट्राइमेस्टर यानी सेवन टू नाइन्थ मंथ में क्या हो रहा है कि बाई द एंड ऑफ नाइन मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज यूजली developed and ready for delivery, यानी वो अब delivery के लिए तैयार हो गया है।
ठीक ना। तो ऑर्गेनोजिनेसिस में यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस हुआ है, ठीक। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पार्चुरीशन एंड लैक्टेशन इसमें क्या होता है। तो पार्चुरीशन में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, यानी अब जो फीटस है वो रेडी हो गया है, यानी उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया है 9 मंथ्स का। अब वो जब बाहर निकलेगा उसी प्रोसेस को पार्चुरीशन कहते हैं। तो कैसे इनिशिएट होता है, कैसे सिग्नल मिलता है कि वो पूरा हो गया है? तो यहाँ पर क्या होता है कि इट इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। देखिए न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म क्या है? तो न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन मतलब इसमें दोनों भाग लेते हैं, नर्व्स भी भाग लेता है और इंडोक्राइन सिस्टम भी भाग लेता है। कैसे भाग लेता है? तो देखिए कि यह जो है फीटस, जो डेवलप्ड फीटस हो गया है यूटेरस में और प्लासेंटा, ये सिग्नल एक भेजता है। जब ये तैयार हो जाएगा तो जो फीटस है वो प्रेशर डालेगा यूटेरस पर, जिसके कारण ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा, ब्रेन से हार्मोन रिलीज होगा, प्लस प्लासेंटा भी उस सिग्नल नर्वस सिस्टम के द्वारा, तो वो हो गया न्यूरो नर्वस सिस्टम के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत CNS को जाएगा, और CNS को जा करके अब वो जो है जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उससे एक हार्मोन रिलीज करेगा। इसको हम लोग कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। फीटल इजेक्शन यानी फीटस को बाहर करने, इजेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन है। कौन इंड्यूस करता है? तो फीटस और जो डेवलप फीटस होते हैं और जो प्लासेंटा होते हैं। ये अब क्या करता है कि जब ये इजेक्शन सिग्नल भेजेगा वो प्यूटिटरी ग्लैंड को, तो उससे सिक्रीट होगा क्या? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करेंगे कि मायोमेट्रियम, जो यूटेरस में बीच में मसल्स पाए जाते हैं, मस्कुलर मसल्स, उसमें स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, बहुत तेजी से स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसके कारण और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और धीरे धीरे करके इट कंटिन्यू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन एंड यूटेरस, और वो एक्सपल्सन ऑफ बेबी फ्रॉम द बर्थ कैनाल, और फीटस का जन्म हो जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इंजाइम हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन को कौन इनिशिएट करता है? तो जो डेवलप फीटस और प्लासेंटा होते हैं वो इंड्यूस करते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब कहता है कि उसी समय लैक्टेशन भी शुरू हो जाएगा। लैक्टेशन क्या होता है कि द मेमरी ग्लैंड्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवार्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। मेमरी ग्लैंड से जब एंड्स प्रेगनेंसी के एंड में जब मिल्क सिक्रीशन होने लगता है उसी को लैक्टेशन कहा जाता है। और यह जो इंड्यूस होता है एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन आपको वो इंटेरियर प्यूटिटरी के द्वारा सिक्रेट होता है, और जो अभी देखे हैं पोस्टेरियर प्यूटिटरी के द्वारा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है वो भी क्या करते हैं कि मिल्क के, अब वो मेमरी ग्लैंड पर भी एक्शन करेगा। ऑक्सीटोसिन यूटेरस पर भी काम करेगा और ऑक्सीटोसिन पर भी काम करेगा, जिसके कारण मिल्क का सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगा। अब प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज में, पार्चुरीशन के इनिशियल डेज में क्या होता है, इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क सिक्रीट होता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, उस मिल्क को कोलोस्ट्रम कहा जाता है। फर्स्ट फ्यू डेज में 1-2-3 दिन तक जो भी है, तो वो जो मिल्क है वो कोलोस्ट्रम होता है, और उस कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं IgA। ये सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इसमें रहता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा CBSE के जो है लॉन्ग क्वेश्चन, और ये सब ऑब्जेक्टिव में भी ये दे सकता है कि कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी होता है और उस एंटीबॉडी का क्या काम होता है। तो वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं रोगों से लड़ने में मदद, ये एंटीबॉडी जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस पावर को क्या करता है, बढ़ाता है। किस में बढ़ाएगा? न्यू बॉर्न बेबी में। तो जो मिल्क फीडिंग होता है, मदर का मिल्क फीडिंग होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है फीटस के लिए। तो एक डायग्राम के द्वारा अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से पार्चुरेशन हो रहा है और लैक्टेशन हो रहा है। तो ये देखिए,
हाँ ये देखिए इस डायग्राम में फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इसको कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि बाएं साइड में यूटेरस के अंदर फुली डेवलप फीटस और प्लासेंटा एक सिग्नल जनरेट कर रहा है और वो सिग्नल यूटेरिन स्ट्रेच स्टिमुलेट सेंसरी न्यूरॉन्स 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना, तो वो सब जो है वहाँ कहाँ जा रहा है, देखिए ब्रेन के पास जा रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, प्यूटिट्री ग्लैंड मैटर्नल पोस्टेरियर प्यूटिट्री ग्लैंड वहाँ देखिए लिखा हुआ है, उससे देखिए रिलीज हो रहा है ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है और ऑक्सीटोसिन 6 नंबर में लिखा हुआ है। फिर 7 नंबर में आइए नीचे तो यूटेरिन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी वही जो मायोमेट्रियम में जो मसल्स पाए जाते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसके कारण फीटस सॉरी यूटेरस क्या होते हैं सर्विक्स डायलेट करता है और डायलेट करने के बाद एक्सपल्सन ऑफ बेबी होता है। तो इस डायग्राम में फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को एक बार आप लोग देख लीजिए समझ लीजिए कैसे हो रहा है, एरो बना हुआ है। इसके बाद लैक्टेशन का जो है डायग्राम, लैक्टेशन में देखिए मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स दिया हुआ है। इसमें भी देखिएगा कि जब एक तो ये यूटेरस के द्वारा ये जा ही रहा है सिग्नल, बच्चे का जन्म हो गया है, बच्चे के जन्म के बाद बच्चे देखिए सकिंग कर रहा है मिल्क का, तो उससे भी सिग्नल जनरेट हो रहा है और वो सिग्नल जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन में और ब्रेन के द्वारा उससे हार्मोन सिक्रीट हो रहा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और वही प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कर रहे हैं कि मिल्क फॉर्मेशन कर रहा है और मिल्क फॉर्मेशन करके आपको बच्चे को वहाँ से मिल्क रिलीज करा रहा है। तो इस तरह से प्रोलैक्टिन जो हो गया वह मिल्क मेकिंग हार्मोन हो गया, ध्यान में रखिएगा प्रोलैक्टिन जो ये PRL लिखे हैं वो मिल्क मेकिंग हार्मोन हो गया और जो ऑक्सीटोसिन हो गया वह मिल्क रिलीजिंग हार्मोन हो गया, ठीक। तो ये हो गया पार्चुरेशन का और लैक्टेशन का ये डायग्राम हो गया। तो अभी तक हम लोग देख लिए कि किस तरह से ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये जो 6 पार्ट था सीक्वेंस में बना हुआ है जो कि किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके बाद गैमेटोजिनेसिस है मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बाद फर्टिलाइजेशन है फर्टिलाइजेशन के बाद अब वो जो है डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है उसके बाद ये सब पार्चुरेशन है लैक्टेशन है, ठीक। तो इतना जो वीडियो जो है इसे अच्छा लगा हो तो फिर से एक बार लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे और दूसरे को भी जानकारी दे दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि अभी और भी वीडियो अपलोड होगा हर चैप्टर का अपलोड होगा। अभी अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का शुरू करेंगे उसके बाद जेनेटिक्स का हम लोग